सलमान खान और आमिर खान की हिट पेयरिंग एक बार फिर से आने वाले हैं सिल्वर स्क्रीन्स पे नजर इन द 90s हिट फिल्म अंदाज अपना अपना सीक्वल। और इसी फिल्म के राइटर दिलीप शुक्ला ने किया कंफर्म कि बॉलीवुड के ये दोनों खान करने वाले हैं दो न्यू यंग एक्ट्रेसेस को ऑन स्क्रीन रोमांस इन द सीक्वल। और ये कास्टिंग कॉल लिया गया है डेलिबरेटली टू एड सम मोर ह्यूमर टू द प्लॉट। वरुण धवन अपनी मच अवेटेड नेक्स्ट डांसिंग फ्लिक फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में आने वाले हैं नजर स्पोर्टिंग 4 डिफरेंट टैटूज इन द फिल्म। जहां पहले किया गया था रिपोर्ट कि वरुण आएंगे नजर वेयरिंग अ माइकल जैक्सन टैटू ऑन हिज राइट फोरआर्म, वहीं आ रही है खबर दैट इन द अदर टैटूज वरुण विल बी सीन स्पोर्टिंग अ प्लेयर कंट्रोल टैटू अंडर हिज राइट कॉलरबोन, a tattoo of Lord Nataraj on his right bicep and a three-tier belt on his left forearm. Social activist Sindhutai Sapkal ne kiya shoot with Amitabh Bachchan for one of the latest episode of Kaun Banega Karorpati. Aur isi episode mein Bollywood ke shehenshah dikhe bowing down to the veteran activist jahan wo unke pair chhukar unke aashirwad lete hue aaye nazar. Aur Bollywood ke is megastar ke ye humble gestures zarur chhu gaye darshakon ke dil ko. United Nations ke spokesperson for Secretary General ne kaha hai कि प्रियंका चोपड़ा रिटेन्स राइट टू स्पीक इन हर पर्सनल कैपेसिटी। थर्सडे को अपने डेली ब्रीफिंग के टाइम ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा के ऊपर उठे गए एक सवाल पे उन्होंने कहा द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर स्पीक इन देयर पर्सनल कैपेसिटी दे रिटेन द राइट टू स्पीक अबाउट इश्यूज दैट इंटरेस्ट और कंसर्न्स देम एंड ही फर्दर एडेड दैट देयर पर्सनल व्यूज और एक्शन डू नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट दोज ऑफ यूनिसेफ। आमिर खान की बेटी ईरा खान इज ऑल सेट टू गियर अप फॉर हर डायरेक्टोरियल डेब्यू। ईरा जल्द ही आएंगी नजर डायरेक्टिंग अ प्ले टाइटल्ड उर्वी मीडिया। ईरा ने हमेशा से कहा है दैट शी इज समवन हु हैज बीन कंफर्टेबल बिहाइंड द कैमरा एंड हेंस वाज नेवर इंक्लाइंड टू एक्टिंग। और आमिर खान लाइक अ डॉटिंग फादर है एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ हर दिस डिसीजन। आयुष्मान खुराना इज श्योरली ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। नेशनल अवार्ड से नवाज जाने के बाद आयुष्मान को कल रात नवाजा गया विद अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्टर ऑफ द ईयर at Times Power Men Awards. Ayushman ko diya gaya ye award for his outstanding performance in Article 15. Ayushman ne apni khushi ko zahir karte hue apne fans se kiya isi news ko Twitter pe share. Aaj release hua hai Siddharth Malhotra, Ritesh Deshmukh, Tara Sutaria and Rakul Preet starrer Mari Java ka naya posters. Jisi ke saath is film ke naye release date ko kiya gaya announce. और अब ये फिल्म अक्टूबर 2 की जगह होने वाली है नवंबर 22 को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज। ये फिल्म पहले ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर के साथ करने वाले थे बॉक्स ऑफिस पे क्लैश, लेकिन अब इस फिल्म के नए रिलीज डेट के साथ ये फिल्म करने वाली है कम्पीट विद आयुष्मान खुराना स्टारर बाला। खबरों के मुताबिक कार्तिक आर्यन ने किया स्किप एन इवेंट विद कटरीना कैफ फॉर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद रूमर्ड गर्लफ्रेंड सारा अली खान। कार्तिक करने वाले थे बाली में अटेंड अ ग्रैंड वेडिंग विद कटरीना, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने किया इस इवेंट को कैंसिल फॉर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम ऑन अ डेट विद हिज रूमर्ड गर्लफ्रेंड सारा अली खान। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान कल एक बार फिर से हुए एक साथ फोटोग्राफर्स के कैमरा में कैप्चर, जहां ये लव बर्ड्स नजर आए साथ साथ एज सारा वाज सीइंग अकंपनिंग कार्तिक फॉर हिज विजिट टू द हॉस्पिटल where his father got admitted due to ill health. और कल ही ये दोनों एक साथ फिर से हुए साथ spotted when the young diva came to drop her rumored beau Kartik Aryan at the airport. जहां सारा हुई clicked blushing by the photographers where the color of her cheeks definitely matched the pink color of her suit. हिमेश रेशमिया ने दिया social media sensation Ranu Mondal को break, जो कि अब आएंगी नजर लेंडिंग अ वॉइस टू सिंग अ सॉन्ग फॉर हिमेश रेशमिया स्टारर हैप्पी हार्डी एंड हीर। रानू मंडल बन गई थी ओवरनाइट सेंसेशन विद हर वीडियो ऑफ सिंगिंग लता मंगेशकर फेमस सॉन्ग प्यार का नगमा, और उनकी म्यूजिकल कॉर्ड से इम्प्रेस होके हिमेश ने लिया ये डिसीजन। द न्यू पेरेंट्स इन टाउन अंगद बेदी एंड नेहा धूपिया आर ऑफ टू मालदीव्स, वेयर नेहा इज ऑल सेट टू रिंग इन हर 39th बर्थडे विद हस्बैंड अंगद बेदी। ये दोनों ने अपने शेड्यूल से लिया एक ब्रेक टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। फॉर मोर अपडेट ऑन बॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट कीप वॉचिंग मूवी टॉकीज़।